नमस्कार, मैं हूं उदय। एम के न्यूज़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृति सप्ताह का शुभारंभ हुआ। संस्कृति सप्ताह के अवसर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्कृताचार्य भागीरथी नंद ने बताया कि प्राचीन काल में ये मंदिर आध्यात्म, राजनीति और पठन पाठन के केंद्र रहे हैं। मंदिरों के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना व्यर्थ है। मंदिर भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम इतिहास है। इसके साथ ही कार्यक्रम में अन्य आचार्यों ने बताया कि विदेशों में भी भारत के मंदिरों के प्रति लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं। विदेशी लोग जीवन में एक बार भारत के मंदिरों के दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं। संगोष्ठी के उद्घाटन के बाद एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हमारी राजनीति, हमारे धर्म, हमारी प्रतिज्ञा और हमारी कला और हमारा स्थापत्य इत्यादियों को पुष्ट करता था, पुष्ट करता रहा और अभी भी पुष्ट कर रहा है। इस पर यह विचार अत्यंत रमणीय सिद्ध हो रहा है। तो को पालन करने के लिए भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय द्वारा जो आयोजित एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। इस प्रकार नवीन विषय को लेकर हमारे जो प्राचार्य हैं, ब्रजेंद्र जी हैं, ब्रजेंद्र सिंहदेव जी, चल रहा है। सबका उद्देश्य यही है कि जो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रवर्तित जो यह मंदिर संस्कृति है, जिस रूप में है, जिस लक्ष्य को लेकर के इस मंदिर संस्कृति रूप परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है, वह लक्ष्य पूर्ण हो, इसी पर इस दो दिन से संगोष्ठी हो रही है। आज उसका दूसरा दिन।